वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 एंड दिस इज द मैथमेटिक्स क्लास 10th। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 में सबसे पहले जो है वो है अपने डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में अपन बात करेंगे। तो मान लो आपको, आपने ना 9th क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे एक बार के लिए अपन मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना, एक काम करो ये यहाँ समझो कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह क्या होते हैं, इस पे ध्यान मत दो। ये ऐसे यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह क्या होते हैं। जैसे मान लो ये तो है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जीरो। केवल मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो इस पर ना बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, इधर मान लो 1 2 3 4 5। अब मान लो मैं ना इसके और इसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, तो सबसे पहले देखो हमेशा ना x कोऑर्डिनेट आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, x कोऑर्डिनेट। आप ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो ये डिस्टेंस और इसके सामने ये डिस्टेंस, ये दोनों के आपस में इक्वल है। ये वाली और ये वाली एक ही तो डिस्टेंस है। तो ये वाली देखो 0 से 1, 1 से 2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2 हो गई। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट है ना वो क्या हो गया आपका, 2 हो गया। स्टूडेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया। अब बात करते हैं अपन वाई कोऑर्डिनेट की। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 3 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो हो गया आपका 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछे, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3। यहाँ आप लगाओगे 3 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, 3, 1। अब ना ऐसे ही अपने को ना एक डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना। मान लो आपके पास ये तो है वाई एक्सिस और ये क्या आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका 0। यहाँ एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है, एक सेकंड को इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये 0 हो गया। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हो गया x2 और y2। आपसे कह दिया गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच के ये डिस्टेंस फाइंड करो, इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो चलो अपन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। मान लो एक परपेंडिकुलर यहाँ डालो और एक परपेंडिकुलर अपन यहाँ देंगे, ठीक है। अच्छा ये x1 है ना, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका x2, ठीक है। अच्छा एक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, तो ये वाला क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया PQ, और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं R। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, इसको तो छोड़ो, ये वाली डिस्टेंस बता दो कितनी है, PR। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट x1 है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका x2। जैसे यहाँ देखिए पीछे वाले एग्जांपल में, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बताओ भाई कितनी है, ये इतनी, कोई बता सकता है कि ये कितनी डिस्टेंस है,
कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, देखो ये आपका वन और ये भी आपका वन हो, वन वन क्या हो गया, टू हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो आप ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 4 माइनस 2 कर दो, 4 माइनस 2 करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अगर आपको ना ये इसके और इसके बीच की, इसके चलो आपको मैं कहता हूँ 1 और 5 के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो 5 माइनस 1 कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और वैसे भी देखो 4 है, 1 2 3 4, 1 और 5 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 और 4, तो यानी कि आप ना इसमें से इसको क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास है एक्स, देखो ये वाला एक्स टू है और ये वाला क्या है एक्स वन, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, अच्छा जितनी डिस्टेंस ये है उतनी आपकी डिस्टेंस ये होगी, तो यानी ये हो जाएगी आपकी एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अच्छा वही सेम चीज़ यहाँ पे, ये पूरी वाई टू है और ये वाली नीचे वाली क्या वाई वन, ये हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन। देखो देखिए ये है ना वाई टू माइनस वाई वन है, शायद सभी बच्चों को दिखाई दे रहा ना, क्यू आर, क्यू आर की जो डिस्टेंस है वो क्या आपकी वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब मैं पी क्यू फाइंड करता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, शायद ये फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये आपके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो वाई टू माइनस वाई वन के इक्वल है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या आपका एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्क्वायर हटा दो तो पी क्यू का फॉर्मूला बन गया। इसको पहले लिख लेते हैं, देखो ये दोनों प्लस में है ना, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला आता है ना, इसको मैं थोड़ा साइड में और लिख देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमेशा डिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है। अगर आपके पास कोई भी टू पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास कोई भी टू पॉइंट्स हैं और उन पॉइंटों के बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इफ़ यू आर फाइंडिंग डिस्टेंस, अगर आपको उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अपन डिस्टेंस फार्मूले के नाम से जानते हैं, दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस फार्मूला 7.1 जो है ना आपकी, वो पूरी डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड है, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं है इसमें, यही फार्मूला है मेन, और ये इस फार्मूले को प्रूफ करने का तरीका है, ये वाला, ये क्या है, इस फार्मूले को प्रूफ करने का मेथड है कि कैसे अपन है ना इस फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। बाकी मेन तो आपको ना ये फार्मूला याद रखना है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगाना है आपको, अंडर रूट लगाना है, ऊपर क्या लगाओगे आप, अंडर रूट लगाना। अब जैसे 7.1 जो एक्सरसाइज है वो अपन स्टार्ट करते हैं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि आपको क्या फाइंड करनी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फाइंड करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट तो दे रखा है 2, 3, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 4, 1, टू थ्री एंड 4, 1। चलो इसको तो मान लो एक्स वन, ये है आपका वाई वन, ये हो गया एक्स टू और ये क्या हो गया वाई टू। डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट को नाम दे दो पी और ये वाला पॉइंट क्या है क्यू है। आप पी क्यू नाम दे दो, ए बी दे दो, सी डी दे दो, एज योर चॉइस। चलो डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट रखो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू क्या है 4 और एक्स वन क्या है 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
आगे क्या है फॉर्मूला में, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा आपके पास फोर माइनस टू, फोर में से अगर टू माइनस करोगे तो क्या बचेगा, टू, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री होता है माइनस टू, और माइनस टू का होल स्क्वायर फोर, फोर और फोर क्या आ जाएगा एट। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया, अंडर रूट एट आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एट आ जाएगा। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग सेल्फ करोगे, ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है ना ए बी और माइनस ए माइनस बी, ये वाला पार्ट आपको करवा देते तो अच्छा था। उसको एक सेकंड देखता हूँ इनके जगह आएंगे। चलो ये पॉइंट्स लिख देता हूँ और इसमें ए बी और माइनस ए माइनस बी, देखो ये ऐसे है थर्ड वाला, पहला पॉइंट है ए बी, दूसरा पॉइंट है माइनस ए माइनस का बी, एक को मान लो पी और दूसरे को मान लेते हैं क्यू। पहला वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन एक्स टू और ये क्या मान लेते हैं वाई टू। अब एक बात का ध्यान रखना, आप एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू जो आपकी मर्जी है उसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं पी क्यू का, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, पी क्यू इक्वल आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। पहले देखो एक्स टू क्या है, माइनस का ए, माइनस की जगह माइनस, एक्स वन, एक्स वन की जगह क्या है ए है और यहाँ लगा देंगे होल स्क्वायर, वाई टू आपका क्या है माइनस का बी, वाई वन अच्छा माइनस की जगह माइनस लगा दो, वाई वन क्या आपका बी है और यहाँ क्या लगा दिया हमने होल स्क्वायर अप्लाई। अच्छा स्टूडेंट्स इतना करने के बाद में अपन आगे की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए माइनस ए माइनस ए, माइनस ए माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का टू प्लस माइनस का बी माइनस का बी, ये क्या हो जाएगा माइनस का टू बी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हुआ है, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर और ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का टू, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर और बी का स्क्वायर, ठीक है। फोर क्या ले सकते हो आप, अनरूट के अंदर ही फोर क्या ले सकते हो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा फोर ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। फोर जो है उसको आप अनरूट से बाहर लेके आ सकते हो, तो फोर अगर अनरूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा टू बन जाएगा, क्या बनेगा टू, तो फोर को बाहर ले आना तो लिख देना टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आप लोग सेल्फ करोगे, अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड और सभी बच्चों को शायद थर्ड वाला क्वेश्चन है अच्छे से दिख रहा होगा। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी ये क्वेश्चन है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ये आपको क्या करना है डिटरमाइन करना है। कोलिनियर की एक कंडीशन है, फॉर्मूला है, वो लिख लेते हैं अपन। अगर है ना पहले वाला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है, थर्ड वाला पॉइंट क्या आपका सी है। अगर है ना थ्री पॉइंट्स इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन, इफ ए बी सी आर
कोलिनियर देन ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, ये फॉर्मूला आपको जाना है कि अगर है ना तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उसमें है ना ये वाला फॉर्मूला ज़रूर बनेगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो अपन समझ जाएंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। अगर आपने ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी अगर प्रूफ कर दिया तो यानी कि कोलिनियर प्रूफ हो गया। तो चलो ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले अपन है ना ये तीनों फाइंड करो, पहले ए सी फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला याद रखना, एक्स टू माइनस एक्स ए, पहले देखो ए ये रहा और सी आपका ये रहा, तो आपको ना वही करना है इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे आप इसमें से इसको कर दो चाहे इसमें से इसको कर दो, एक तरीका पकड़ लो बस। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन कौन सा है एक्स टू कौन सा है, आपको मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ए और सी के बीच के ए सी अगर फाइंड करनी है तो पॉइंट आप लोगे ए और दूसरा पॉइंट क्या लोगे आप सी लोगे, तो आप क्या करोगे माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन माइनस फाइव, इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, आगे बात समझ। तो ये आ गया यहाँ पे, तो एस सी जो है वो क्या बनेगा आपका माइनस टू और माइनस वन, तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस सिक्सटीन का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका बनेगा माइनस थ्री का स्क्वायर नौ नाइन और माइनस सिक्सटीन का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 ये 16 है और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका 256 होगा, 16 का स्क्वायर क्या होगा 200, एक मिनट रुकना, 250। तो अब अपन क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, तो 256 में 9 आप ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 204 आपके ऐड होंगे तो 260 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका ए सी फाइंड हो गया। अच्छा ए बी और कर लेते हैं फाइंड, ए बी फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा ए बी फाइंड करना है तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 3 माइनस 5 माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा रूट का 5 आ जाएगा। फिर आपको ना ऐसे स्टूडेंट बी सी फाइंड करना है, तो बी सी आप जब भी स्टूडेंट्स आप बी सी फाइंड करोगे तो बी सी कैसे फाइंड करोगे वो सेम तरीका है। बी और सी फाइंड करोगे तो इसमें से आपको इसको क्या करना माइनस, तो माइनस टू और माइनस टू फिर माइनस इलेवन माइनस थ्री, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एक बार फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस टू फोर, फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और प्लस, और ये है आपका माइनस का फोर माइनस का इलेवन और माइनस का थ्री माइनस का 14 और 14 का जो स्क्वायर है वो 196, यानी कि 14 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 196। तो स्टूडेंट्स दो का सम है ना वो तीसरे के क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अपन क्या कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स है ना वो कोलिनियर नहीं है। और अगर ना कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल आए तो अपन क्या कहेंगे वो कोलिनियर होगा। तो इस तरीके से आप ना कोलिनियर प्रूफ करना है, आपको ना तीनों डिस्टेंस फाइंड करनी है और उसके बाद में आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेक वेदर आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल इस तरीके से होता है, एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। अगर ना कोई ट्राइंगल और उसकी कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल को अपन बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्राइंगल।
तो स्टूडेंट आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसमें थ्री पॉइंट दे रखे हैं, ए बी और सी। एक तो हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी। सबसे पहले अपन ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करोगे तो बी में से ए को माइनस कर दो, सिक्स माइनस फाइव प्लस फोर, फोर माइनस टू, तो माइनस पहले से लगा हुआ है ना, फोर और यहाँ पे माइनस आता है और फिर आगे एक बार और माइनस टू आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। इस तरह सिक्स माइनस फाइव वन, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो फोर टू क्या हो जाएगा सिक्स, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और वन थर्टी सेवन। तो स्टूडेंट ए बी जो है डिस्टेंस वो क्या आ गई आपकी 37 आ गई। अब बात करते हैं अपन ए बी के बारे में, अपन बात करेंगे बी सी। बी सी अगर अपन फाइंड करेंगे तो सी में से बी को माइनस करना, सेवन माइनस सिक्स माइनस टू माइनस का फोर, तो सेवन माइनस सिक्स क्या हो जाएगा वन, वन का स्क्वायर माइनस का टू और माइनस का फोर माइनस का सिक्स, तो वन का स्क्वायर क्या आएगा वन और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और वन कितना हो जाएगा थर्टी सेवन। ए बी निकल गई, बी सी निकल गई, ए सी और फाइंड कर लो, ए और सी ये और ये वाला, सेवन माइनस फाइव माइनस का टू माइनस, ऑलरेडी माइनस एक और है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो इस तरह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू से टू कट गया, ये वाला जीरो ही हो गया, इसको तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पर सेवन माइनस फाइव, सेवन माइनस फाइव क्या होगा टू और टू का स्क्वायर फोर, अंडर रूट फोर की वैल्यू टू। तो स्टूडेंट्स जो अपनी साइड है वो इस तरीके से आ गई, एक तो आ गई अंडर रूट 37, दूसरी भी रूट 37, तीसरी क्या आ गई ऐसी। आइसोस्केलस ट्राइंगल में कोई भी टू साइड जो है ना वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एनी टू साइड इन एनी आइसोस्केलस ट्राइंगल, एनी टू साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, कोई भी टू साइड जो है ना वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा इससे। यहाँ पे आप लिख देना रीजन, ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी। देखो ये भी रूट 37 है और ये भी क्या है रूट 37 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी जो है ना वो स्टूडेंट बी सी के क्या इक्वल है। सो वर्टिसेज आर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये लाइन लिख देना बात करते हैं। अब जैसे इसमें ना आपने आइसोस्केलस ट्राइंगल का पूछा था ना, अब आपको ना इसमें ना आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछेगा कि आपको ना फोर पॉइंट्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे इन फोर पॉइंट्स से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसे कि रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, इस तरीके से आपको ना फाइंड करना। तो इस एक क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थ्री क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन मैं आप हाँ सिक्स वाले क्वेश्चन में ना थ्री है जिसमें से पहला अपन कर लेते हैं, बाकी के दो आप लोग सेल्फ करोगे, वो सेम टू सेम इसी तरीके से करना है आपको। पहले आप ना इन चारों को अपने कुछ नाम दे दो, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया ए बी सी और डी। पहला काम आपका ये है आप चारों साइड फाइंड करो, ए बी बी सी सी डी और डी ए। स्टूडेंट्स इसमें अपन एक काम करेंगे कि अपन इन चारों जो पॉइंट्स हैं उनको अपन ने नाम दे दिया ए बी सी और डी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ऑल साइड, यानी कि अपन है ना सबसे पहले चारों जो साइड है ना वो फाइंड करेंगे, जैसे ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो सबसे पहले अपन ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी फाइंड करने पे अपने को ऐसे वन, देखो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो वन माइनस वन, देखो माइनस तो फॉर्मूले में होता ही है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस जीरो माइनस, माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका वन और वन टू, टू का स्क्वायर फोर, तो यहाँ पे भी टू का स्क्वायर फोर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एट।
एबी के बाद में बीसी फाइंड करो। जब अपने स्टूडेंट बीसी फाइंड करेंगे तो माइनस वन और माइनस वन का होल स्क्वायर टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस वन और माइनस वन ये क्या हो जाएगा, माइनस का कूब और प्लस टू माइनस जीरो यानी टू का स्क्वायर। ये आ जाएगा स्टूडेंट टू का स्क्वायर फोर और ये भी टू का स्क्वायर फोर। तो फोर और फोर कितने हो जाएंगे एट। ए बी बी सी के बाद में अपन बात करते हैं सी ए की, सॉरी सी डी बाकी रह गया। वेन वी फाइंड सी डी देन माइनस थ्री माइनस वन। देखो ये माइनस थ्री तो है ही अपने पास, माइनस का वन ऑलरेडी, माइनस तो है ही ऑलरेडी फॉर्मूले में, और यहाँ पे भी क्या माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जीरो माइनस का टू। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस का थ्री प्लस का वन माइनस टू का स्क्वायर, और आगे भी क्या अपने पास माइनस के टू का स्क्वायर, तो ये भी अंडर रूट एट आ जाएगा। ए बी बी सी सी डी। अब अपन फाइंड कर लेते हैं ए बी ए बी सी और डी ए डी और फाइंड करो। जब आप ए डी फाइंड करोगे तो माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस थ्री माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस वन, प्लस जीरो प्लस टू। स्टूडेंट्स ये भी ना आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ये भी क्या आएगा अंडर रूट एट आएगा। तो चारों साइड क्या होगी इक्वल होगी, चारों जो साइड है ना वो क्या आ गई इक्वल आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, चारों साइड इक्वल किस में होती है, एक तो होती है स्क्वायर में और एक होती है रोम्बस में। स्क्वायर में चारों साइडें क्या होती है इक्वल होती है, रोम्बस में भी चारों साइडें क्या होती है इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर में एक डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ ये जो डायगोनल है ना ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये होता है स्क्वायर। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस आपका कुछ इस तरीके से होता है, रोम्बस में भी ये चारों साइडें क्या होती है आपस में इक्वल, लेकिन ये जो डायगोनल है ना ये और डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। तो मुझे ना डायगोनल और चेक करने पड़ेंगे। मान लो ये आपका ए है बी है सी है और डी है, मुझे ए सी और फाइंड करना है। चलो मैं ए सी और फाइंड कर लेता हूँ। ए सी ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट सी, इसमें से इसको माइनस करना, तो माइनस वन और माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके टू माइनस माइनस टू ऑलरेडी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस करते। देखो यहाँ पे वन है तो माइनस वन और प्लस वन तो क्या हो जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो छोड़ो उसको, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटीन और सिक्सटीन का अंडर रूट फोर। तो ए सी जो डायगोनल है वो आ गया फोर, ए सी डायगोनल फोर आ गया। बी डी और फाइंड करो, जब आप बी डी फाइंड करोगे तो बी डी पॉइंट लेना पड़ेगा, वो बी लेना पड़ेगा और डी लेना पड़ेगा। तो बी डी में आप है ना माइनस थ्री माइनस वन प्लस जीरो माइनस का जीरो यानी कि जीरो। तो स्टूडेंट ये आएगा माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस का फोर, और माइनस का फोर का स्क्वायर हो जाएगा रूट सिक्सटीन और रूट सिक्सटीन की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी। ओ आपको दिखा नहीं होगा शायद, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्या आ गया फोर आ गया। अब आप देखो चारों साइडें आपस में इक्वल है या नहीं है, देखो यहाँ पे ये जो चारों साइडें हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल भी आपस में क्या है इक्वल है। तो ऐसी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइडें इक्वल हो दोनों डायगोनल इक्वल हो, ऐसी शेप को अपन स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं स्क्वायर, यही क्वेश्चन पूछा है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आप क्या बताओगे बच्चों, ये एक स्क्वायर है। आपसे पूछा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल यानी ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको क्या बताना है स्क्वायर बताना है।
अच्छा इस क्वेश्चन के बाकी के जो टू पार्ट्स है वो आप लोग सेल्फ करोगे, बाकी ये जो टू पार्ट्स है वो सेल्फ करोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन तक आप ना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।